कोटडी उपखंड का शिक्षा महकमा एक बार फिर सरकारी कोष को डकारने के कारण सुर्खियों में है। गत दिनों साखड़ा स्कूल के बाबू द्वारा किए लाखों के घोटाले की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई। उसी बीच ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत एक संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर ने काल्पनिक शिक्षक के नाम अपनी पत्नी के खाते में 12 लाख का भुगतान उठा लिया, जिसकी किसी को भी कानो कान भनक तक नहीं लगी। अब जब मामला सामने आया तो प्रिंसिपल ने बल्लियास थाने में संविदा कर्मी के खिलाफ धोखाधड़ी व राजकोष को चपत लगाने का मामला दर्ज कराया है। बल्लियास थाना प्रभारी राजेंद्र ताड़ा ने बताया कि कोटड़ी क्षेत्र की गेगा का खेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल चंद्र सिंह ने गोपाल लाल सुवाल का कंप्यूटर ऑपरेटर सीबीईओ कार्यालय कोटड़ी द्वारा विश्वासघात एवं धोखाधड़ी कर राजकीय राशि का नियम विरुद्ध आहरण करने पर कार्रवाई की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गेगा का खेड़ा एवं पीईआर क्षेत्र गेगा का खेड़ा के वेतन बिल 2015 से जून 2020 तक ऑनलाइन वेतन बिल निर्माण का चार्ज अनिल कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गग्गा का खेड़ा के पास था। अनिल कुमार शर्मा को कंप्यूटर ऑपरेट करने की जानकारी नहीं होने से वह ये कार्य अपने विश्वसनीय गोपाल लाल सवाल का कंप्यूटर ऑपरेटर सीबीओ ऑफिस कोटड़ी से करवाते थे और बिल बनवाने के बाद अनिल कुमार शर्मा द्वारा पासवर्ड रिसेट किए जाते थे। पासवर्ड गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा गया था, परंतु गोपाल लाल सवाल का द्वारा पे मैनेजर एवं प्री पे मैनेजर के पासवर्ड रिसेट करने का अधिकार डीडीओ कोटड़ी को भी होने से गोपाल लाल सवाल का द्वारा किसी प्रकार बीडीओ पासवर्ड ज्ञात कर लिए हो तथा पासवर्ड रिसेट करे काल्पनिक अध्यापक रवि कुमार का वेतन वे एरिबर बिल बना मार्च 2018 से जून 2020 तक विभिन्न बिलों के माध्यम से लगभग 12 लाख रुपए आहरित किए तथा यह राशि काल्पनिक अध्यापक रवि कुमार के खाते में जमा की गई। यह खाता वास्तव में रवि कुमार का ना होकर विश्वासघात करने वाले एम बिल बनाने वाले गोपाल लाल सुवालका पत्नी दिलखुश सुवालका का एनबीआई कोटड़ी शाखा का बैंक खाता है। गोपाल लाल सुवालका द्वारा काल्पनिक अध्यापक रवि कुमार की फर्जी आईडी बनाकर लगभग 12 लाख से अधिक की राशि का अनुचित तरीके से आहरण करते हुए राजकोष से गबन किया गया, जिसकी भनक करीब 2.5 साल बाद विभाग के नुमाइंदों को लगी तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में लाखों रुपए डकारने वाले गोपाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। सीबीओ कोटड़ी में कार्यरत जो कंप्यूटर ऑपरेटर है गोपाल लाल उसके द्वारा कुछ आईडी रिसेट करके उसके द्वारा कुछ बिलों का पता चला था, उसके संबंध में हमने फायर कराई है और आगे पुलिस द्वारा की गई जाँच और विभागीय जाँच के अंदर और उसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा। फिलहाल हमने जितनी जानकारी थी वो सारी एफआईआर करा के विभाग को सौंपी है और अन्य चीज़ें जो है आगे जो जाँच होगी उस पर स्पष्ट हो जाएगी। उसी बात है, कल दोपहर 12 बजे बाद बड़लियास थाने से हमारे पास फ़ोन आया था कि हमारे यहाँ के जो एमडीएम के ऑपरेटर हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, उनके खिलाफ कोई मामला सीईओ गेगा का घेड़ा ने दर्ज करवाया। जैसे ही हमको सूचना मिली, क्योंकि कार्मिक पिछले 3 दिन से छुट्टी पे था, वो किसी एग्ज़ाम के लिए उसने छुट्टी ले रखी थी, तो उसको हमने जैसे एग्ज़ाम से वो फ्री हुआ भीलवाड़ा जहाँ सेंटर था उसको बड़लियास थाने में भेज दिया। उसके बाद शाम को 5 बजे हमारे को एफआईआर की कॉपी और पीओ गेगा का खेड़ा ने जो रिपोर्ट दी थी वो हमें प्राप्त हो गई है। जी, अखबारों में आपने जैसे आज सुबह पढ़ा है वो सारी चीज़ें हमारे को भी है, आपको भी नॉलेज है, तो उसके आधार पर हमारे सीडीओ साहब ने, शिक्षा विभाग के जो हमारे मुखिया हैं उन्होंने और कलेक्टर साहब ने फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है, उसके आधार पर हम चीज़ें आगे जाँच करवाएंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या था। ओके सर, गेगा खेड़ा स्कूल के प्रिंसिपल चंद्र सिंह ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि गोपाल सवाल का नामक एक व्यक्ति जो कंप्यूटर ऑपरेटर है बीओ ऑफिस कोटड़ी में, उसने एक फर्जी टीचर की पोस्ट जनरेट करके गेगा खेड़ा स्कूल से 2015 से लेकर 2020 तक 2 साल तक लगभग 12 लाख रुपए की सैलरी उठा ली, जबकि इस नाम का कोई टीचर वहाँ पर है नहीं। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है संबंधित धाराओं में और इसमें जिस भी कार्मिक की मिली भगत अथवा लापरवाही जो सामने आएगी उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।